ये कुछ भाई हैं, ये फुटबॉल गेम खेल रहे हैं। हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो आज का प्लान है हमारा घूमने का, तो सेक्टर 49 नोएडा बरोला में एक बड़ा सा पार्क है, वहाँ चलेंगे थोड़ी देर में। तो आज बहुत ही मज़ा आने वाला है। तो दोस्तों मैं रेडी हो चुका हूँ, अब चलते हैं पार्क। फाइनली मैं आ चुका हूँ पार्क, और एक बहुत बड़ा पोपट हो गया। जब भी कभी आऊँ मूड बना के, लेकिन पोपट हो ही जाता है। देखो ये बारिश हुई थी ना कल परसों, तो पानी भरा हुआ है। बाहर से अगर आता बिल्कुल भीड़ नहीं होगी, लेकिन अंदर तो कुछ अलग ही नज़ारा है। बहुत ज़्यादा भीड़ है यहाँ, आप देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा है। और बारिश होने के बावजूद भी मतलब इतनी भीड़ है यहाँ। दोस्तों बहुत ज़्यादा सुंदर पार्क है ये, आप देख रहे होंगे। ये कुछ भाई हैं, ये फुटबॉल गेम खेल रहे हैं। भाई अभी मैं थोड़ा थोड़ा सा बचा, और यहाँ थोड़े आ गए ये, मतलब कुछ गिट्टी रखी हुई हैं और ये बॉल फेंक रहे हैं उस पर, पता ना मुझे तो पता नहीं कौन सा गेम है ये। तो ये खेल रहे हैं, तो काफ़ी मज़ा आ रहा है यहाँ। तो दोस्तों काफ़ी घूम चुके हैं, और पीछे भाई लोग हैं बैठे हुए हैं सब लोग, तो काफ़ी बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ। बहुत अच्छा पार्क, बहुत सुंदर पार्क है, इसमें देखने लायक चीज़ें हैं। और अभी चलते हैं आगे क्या है। और भाई भीड़ तो यहाँ है देखने लायक, और काफ़ी ज़्यादा भीड़ है, आप देख रहे होंगे आगे। तो यहाँ सबसे बड़ा ग्राउंड यही है मुझे लगता है, क्योंकि मैं और दूसरे ग्राउंड में गया नहीं हूँ, तो मुझे तो यही लग रहा है। और तो काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ, और वातावरण की बात करूँ काफ़ी ज़्यादा अच्छा है यहाँ। आप अगर भीड़ देख रहे हैं, अगर यहाँ हैं तो आप ज़रूर घूमने आए। का मौसम काफ़ी अच्छा हो रहा है, क्योंकि 2-3 दिनों से बारिश हो रही है, तो यहाँ थोड़ा बहुत पानी भी भरा हुआ है, लेकिन बहुत ज़्यादा काफ़ी अच्छा लग रहा है, क्योंकि यहाँ ठंडी ठंडी हवा आ रही है। तो इस ग्राउंड की खासियत और भी है, क्योंकि इसके चारों तरफ बिल्डिंग है, तो देखने में काफ़ी अच्छा लगता है। और यहाँ पेड़ भी हैं, तो काफ़ी ज़्यादा सुंदर लगते हैं ये बड़े बड़े पेड़, आपको दिख रहे होंगे। तो ये पूरे ग्राउंड में लगे हुए हैं, तो ज़्यादा बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, और ज़्यादातर सुंदरता पेड़ों से ही होती है। तो यहाँ बहुत ज़्यादा ही मात्रा में पेड़ हैं, बहुत अच्छे पेड़ हैं। वर्कआउट करने के लिए बहुत अच्छी व्यवस्था है, आप पीछे देख रहे होंगे मेरे। तो यहाँ काफ़ी जगह में बनी हुई है, तो इसलिए यहाँ 1500 लोग तो डेली आते हैं घूमने के लिए, तो काफ़ी अच्छा लगता है यहाँ। और पीछे जगह जगह ये बैठने के लिए बने हुए हैं, तो काफ़ी मज़ा आता है, और मुझे भी काफ़ी मज़ा आया क्योंकि मैं घूमा। आप कभी आएँ तो यहाँ ज़रूर घूमें। बढ़ते हैं ग्राउंड से बाहर। दोस्तों हम बाहर आ चुके हैं, अब चलते हैं रूम पर। दोस्तों ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था, ये बहुत ज़्यादा मज़ा आया, क्योंकि वहाँ देखने लायक चीज़ें थी, तो उन्हें देखकर मुझे बहुत मज़ा आया। ये मंदिर है तो बढ़िया है, तो भगवान जी के दर्शन हो जाते हैं। तो आता रास्ते में तो मुझे जाना है, सब्ज़ी लेनी है, तो अब चलते हैं सब्ज़ी मंडी। Even when I ran away, you're all that I could see. You're all that I could see. When I could hardly walk on my own, I had to lift myself out of. तो finally दोस्तों हम आ चुके हैं रूम पर, और आज के ब्लॉग यहीं खत्म करते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और जो लोग अभी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टाटा बाय। हेलो दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त सिद्ध ठाकुर। ये है हमारे पंकज नरूला जी, ये है हमारे राजा भाई। देखिए कितनी प्यारी सब्जी बनाते हैं, इनकी सब्जी दूर दूर से लोग खाने आते हैं।